नमस्कार, आज बनाएंगे आलू बैंगन की मसालेदार सब्जी। सबसे पहले बैंगन लेंगे। बैंगन में ऐसा चार टुकड़ा कट कर लेंगे, इस तरीके से चार टुकड़ा कट कर लेना है। चेक कर लेना है बैंगन अच्छा है कि नहीं, कीड़ा वीड़ा रहेगा तो उसको हम लोग कट के निकाल देंगे। इसमें कीड़ा है तो उसको फेंक देंगे। आलू को भी कट कर लेना है छिलकर। पहले आलू छील लेंगे। आलू को छील लिया है और उसको पानी से धो भी लिया है। अब इसको कट करेंगे। इसमें भी चार चीरा लगा देंगे ऐसे। अभी गैस ऑन करेंगे, गैस पर कढ़ाई रखेंगे। तेल लाल हो गया है, अभी बैंगन तलेंगे। साइड में आलू भी डाल देंगे तलने के लिए। बैंगन हो गया है तो उसको निकाल लेंगे। आलू भी तल लेंगे अच्छे से। आलू भी हो गया है, अब इसको भी निकाल लेंगे। अभी मसाला तैयार करेंगे। अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट रेडी हो गया है। इसी कप में दो टमाटर भी पीस लेंगे। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, तेल डालेंगे, तेल को लाल करेंगे। तेल लाल हो गया है, डालेंगे जीरा एक चम्मच, थोड़ी सी हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट। एक मिनट के लिए मसाला को भूनना है। हमारा मसाला में डालेंगे हल्दी, धनिया और कुटी लाल मिर्च, इसको भी भून लेंगे। अभी डालेंगे टमाटर का प्योरी। टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। टमाटर भी अच्छे से भून गया है। अभी डालेंगे किचन किंग मसाला, नमक और ये अमचूर पाउडर, इसको भी डाल के अच्छे से भून लेंगे। कसूरी मेथी डाल देंगे, आधा कप पानी। अभी डाल देंगे आलू को मैंने डिवाइड कर दिया ताकि वो जल्दी से फ्राई हो जाए। दो मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गया है। अभी हरी कोथमीर डाल देंगे। भाजी बहुत ही अच्छी बनी हुई है, ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। अगर आपको आलू नहीं डालना है तो आप मत डालिए, लेकिन मेरे बच्चे आलू खाते हैं इसलिए मैंने आलू डाल दिया। वो लोग बैंगन नहीं खाते हैं।